हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे कच्चे पपीते से अचार और सलाद। इसके लिए मैंने ग्रीन पपीता लिया है। इसको पहले हम अच्छे से धो के इसको ऐसे छील लेंगे। ये मैंने इसको अच्छे से छील लिया है। अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपको कद्दूकस नहीं करना है तो आप बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कद्दूकस करना ज्यादा आसान लगता है, इसलिए मैंने ये किया है। अब हम सारे खड़े मसाले डालेंगे जो वेट लॉस में बहुत ही अच्छे हैं। ये कलौंजी ली है मैंने 1 चम्मच जितनी। ये सिनेमन स्टिक, ये भी आपके वेट लॉस में बहुत ही मदद करती है। इसको भी मैंने छोटी छोटी कट कर ली है। ये लौंग ली है मैंने 5 से 7। ये साबुत धनिया और ये सौंफ ली है मैंने कच्ची। ये सारे इंग्रेडिएंट्स से आप खाने से इसके वेट लॉस में बहुत ही फायदा होता है। ये मैंने स्टीविया ली है। अगर आपको वेट लॉस के लिए ऐसे ही बनाना है तो आप शक्कर भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने स्टीविया का यूज किया है। और ये मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट लिया है। आप चाहें तो प्लेन सॉल्ट भी इसके अंदर ले सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई को धीमी आंच पे गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम पहले इसके अंदर सारे ये खड़े मसाले डालेंगे, जिससे थोड़ी सी इसका क्रंची टेस्ट भी आ जाए और इसका जो स्मेल है उसको वो भी आनी शुरू हो जाए और सारे मसाले हमारे एक्टिव हो जाए। इसको आपको बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे रखना है। अगर थोड़ी सी ज्यादा फ्लेम होगी तो ये जल्दी जल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी कढ़ाई थोड़ी ज्यादा गर्म हो गई है, तो आप गैस बंद करके भी इसको सीख सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमारे मसाले अब सीखने को आए हैं और इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ये पपीते की छीन डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। जब ये हमारा आसानी से चल जाएगा तब हम जो वो हमने स्टीविया ली है उसकी एक स्ट्रिप इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 स्ट्रिप भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत मीठा मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने 1 स्ट्रिप ही इसके अंदर डाली है। अगर आप चाहे तो इसके अंदर गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। अब हम इतना मिक्स करके इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको प्याज, टमाटर, कुकुम्बर ये सब डाल के भी इसको एक सलाद के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक ही स्टीविया डाली है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और दूसरे में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 स्पून जितना, जिससे हमारा अचार के अंदर एयर का इंटेक थोड़ा कम हो तो ज्यादा दिन तक ये चलेगा। जो हमारे इंग्रेडिएंट्स वो भी इसके अंदर लॉक हो जाएंगे और विटामिन और मिनरल्स हमारे इसके अंदर जैसे के तैसे ही रहेंगे। ये मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी इसके अंदर अच्छा लगता है। ये मैंने 1 चुटकी भर हल्दी डाली है जिससे थोड़ा इसका कलर अच्छा आ जाए। और ये मैंने 1/2 स्पून जितना रेड चिली पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन गरम मसाले की खुशबू में ये जो बाकी के हमने जो इसके अंदर साबुत मसाले डाले उसकी दब जाती है, इसलिए मैंने गरम मसाला इसके अंदर नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो तैयार है हमारा ये सलाद और अचार। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग लगता है। आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं।
जिसको कॉन्स्टिपेशन भी की भी प्रॉब्लम है वो भी खाएंगे, तो रात को खाएंगे तो सुबह पेट साफ आ जाएगा।